हेलो दोस्तों, ये हमारी जर्नी का तीसरा दिन है और रात को हमने सोनीपत में स्टे किया और अब सुबह हम सोनीपत से निकले हैं अम्बाला की तरफ। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आगे की जर्नी का हाल हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। धन्यवाद। मॉर्निंग गाइस, और अभी सुबह के बजे हैं 5:15 और हम 5:45 बजे उठे थे। अर्शदीप ने अच्छा इंतज़ाम किया था खाने पीने का और रहने का सोने का, तो बहुत बढ़िया नींद मिली है 3 घंटे की। लेकिन मच्छरों ने काटा इन्हें बहुत ज़बरदस्त, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हैंड ग्लव्स वगैरह अर्शदीप ने प्रोवाइड यशदीप ने प्रोवाइड किए थे, और पीछे योगी भाई बिजी। तो अब हम निकल चुके हैं हाईवे पर, यहाँ से हम अब सीधे अम्बाला तक जाएंगे, अम्बाला से फिर हम टर्न लेंगे पंजाब के लिए। तो मिलते हैं रास्ते में। हाँ जी बाबू जी, दसो की खाना है, ये खाना है, बोलो, राजमा चावल है, छोले चावल है, ये है, वो है, ऐसा है। आप कुछ बोलते कि राजमा चावल कितने का? राजमा चावल 60 रुपए, 60 रुपए प्लेट है भाई। हाँ जी ठीक है, लगा दो एक अंदर राजमा चावल लगाएगा, साथ में एक कढ़ी चावल, साथ में एक लस्सी रखेगा, सलाद की प्लेट रखेगा बाद में। हाँ जी बिल कितना हुआ? आज डे क्या जी? अच्छा ये 150 रुपए, 150 रुपए का तरह। हाँ जी 60 रुपए का राजमा चावल, 60 रुपए का सलाद, 30 रुपए की लस्सी हुई। तो भाई वो तो मैंने मांगी नहीं थी, तो आपको मना करना चाहिए था, मना ही नहीं किया आपने। वो लड़ने लग जाते फिर ऐसे करते। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारी जर्नी का तीसरा दिन है और हम सोनीपत से पानीपत की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसके आगे हम अम्बाला जाएंगे और फिर हम पंजाब में एंटर करेंगे। आज हमने डिसाइड किया है कि हम आज लगभग 7-8 बजे तक गुरदासपुर पहुंच जाएंगे, अगर बीच में कहीं कुछ टाइम ज़्यादा ना हमें लगे तो, लाइक अगर कहीं कोई चेकिंग ना हो रही हो या फिर कहीं हम रेस्ट करने के बहाने से रुक जाएं, ऐसा कुछ 1-2 घंटे का हम आगे पीछे सो सकते हैं। रात को रोहतक आया। आप ऐसे हमारे साथ बने रहिए, उम्मीद करते हैं कि टाइम पर हम पहुंचे। धन्यवाद। उसके बाद वो वहां से रोहतक आया और सुबह फिर उठ के बात भी कर रहा था। सर वो खिड़कियां
सोचना पड़ेगा। जैसे बीच में हम रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, नैप लेते हैं, पावर नैप लेते हैं, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा पकड़ लो और विच विल बी अराउंड 8 आवर्स। 8 आवर्स तो लगेगा। हाँ, कभी CNG भरवाने के लिए मिलते हैं तो वो भी चांस। बीच में अगर कभी चेकिंग होता है या कुछ भी होता है तो पेपर्स के लिए कभी पुलिस रोकती है, सारी चीज़ें टोल लेने वाले सब चीज़ों को रोकते हैं। मिसलेनियस 1 आवर एक्स्ट्रा, तो 8 to 9 आवर्स का भी जर्नी है हमारा वहाँ के। तो कितने बजे तक पहुँचने की उम्मीद है? उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 बजे तक वहाँ पर पहुँचे, बाकी देखते हैं। अलग सी और कोई ज्ञान की बात सुबह सुबह, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे ज्ञान नहीं मिल रहा। तो बहुत सारी, मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ उतना ज्यादा, तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ऐसे ज्ञान शेयर कर लेना चाहिए इतना ज्यादा। तो ये टोल वाले को भी टोल दे कि ज्ञान दे? टोल वाले को अगर ज्ञान से काम बनता, ज्ञान से काम बनता है तो ज्ञान दे, शेयर कोशिश कर रहा है ज्ञान से काम बनता है तो। बात वो ये कि जब किताबें फुटपाथ पे बिकने लगी और जूते AC दुकानों में, तो समझ लो कि लोगों को ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। ये अभी हम करनाल से बाहर निकल रहे हैं, चाहे चाहे जिस मर्जी जगह की है एंट्री, अभी आगे पानी बचा है। टाइम के हिसाब से नहीं है एंट्री? नहीं है, नहीं नहीं नहीं, बॉम्बे से जो बंदा आ रहा है टाइम का विंडो दिया हुआ आपको 2 घंटे का। बॉम्बे से बंदा आ रहा है 2 घंटे की विंडो में कैसे पहुंचेगा? 2 घंटे का है, PM to PM, 5 to 7। देखिए मैं अभी कैट से ट्रेन में भी चढ़ सकते हैं गरम वाले कालका के लिए। यार ट्रेन से भी तो जा रहे होंगे बंदे। वो देखो लेफ्ट साइड में शहर के वासियों, ये शहर है अंबाला। ओयो रूम, ओयो ओयो, अरे कितने सारे ओयो बोर्ड है यार रस्ते में। आलो जी गुरुद्वारा साहिब जी, आगे गुरुद्वारा साहिब जी। तो ये है जी, हम पंजाब में एंटर तो नहीं हो जी, आगे जलंधर पटियाला राजपुरा, ये बस अब पंजाब बॉर्डर की ओर हम एंटर हुए हैं। पंजाब में राजपुरा बस यही है, मैं सामने देख पा रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं देख पा रहा अभी। तो मैं अब हमें भूख लगी है, सुबह 5 बजे से चले हैं, तो शेखर दीरावत ने एक रोटी तो ऑलरेडी उड़ा दी है, दूसरी पे वो काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, विकास तरक्की पे। तो ये योगी भाई ने भी पहली रोटी उड़ा दी है, दूसरी रोटी भी पहुंच गई हो। बस मेरा विकास थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि 2 रोटी पड़ी है। और ये है क्या बोलते हैं इसको योगी भाई, शक्कर है, घी, हाँ, घी जला हुआ घी शक्कर। तो ये यशदीप ने कल जो हमें खाना दिया था उसमें से बचा था, सुबह हम पैक करके ले आए, कुछ फ्रूट्स भी थे कि रास्ते में काम आएगा। एकदम प्योर शक्कर है, घर का बना हुआ शक्कर है, एंजॉय करेंगे। अभी मैं इसको खा के आपको बताता हूँ ये कैसा बना हुआ है। बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा। कहा तो अच्छा, आप भी रिव्यू देंगे योगी भाई, आप रिव्यू देंगे? ये कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा आने की, लेकिन ज्यादा आ नहीं रहा। दूसरे हाथ से इसको कवर करे वरना ये गाड़ी में गिर सकता है, तो ये बहुत अच्छा बन सकता है। मजा आ रहा है ऐसे कोई पकड़ के रखे तो और भी मजा आता खाने। तो फिर मैं चाहता हूँ ये हो चुका है डॉक्यूमेंट, क्योंकि अगर मैं डॉक्यूमेंट करता रहा तो मेरे लिए कुछ बचेगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ खाऊं,